बिसम लिम्स वरम् वर्का ख़बरें तो वैसे ही अफसोसनाक हैं लेकिन असल ख़बर ये है कि गिरदाब में है कश्ती और किनारा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कुछ उन्नीस सौ से मिलती जुलती सूरत हाल पैदा हो रही है यानी इमरान खान के सियासी मुखालफ दबाव बढ़ा रहे हैं इमरान खान के साथ और ज़्यादा सख्ती की जाए और ज़्यादा क्या सख्ती की जाए भाई मतलब कुदाल से मट्टी खोद सकते हैं पहाड़ तो नहीं खोद सकते और पहाड़ इमरान ख़ान नहीं है पहाड़ वो उसके हलके में चौहत्तर फ़ीसद वोट भी नहीं है जहाँ पे नूनली के वोट नौ फ़ीसद हैं और अभी अमजद न्याजी साहब की तस्वीर आई है हॉस्पिटल में पड़े हैं उनके वोट हैं साठ फ़ीसद जो वाद सर्वे करने वाला काबिल अतम आदमी है आप जानते ही हैं कौन साहब हैं उन्होंने सर्वे किया था साठ फीसद उनके वोट हैं और अट्ठारह फ़ीसद नून लिखे हैं अब वो अमजद न्याजी का क्या करें जी सनम जावेद के जो पहाड़ है ना वो मशीत इलाही है जब अल्लाह ताला कोई रास्ता खोलना चाहता है तो वो खुल जाता है और जब वो कोई बंद करना चाहता है तो बंद कर देता है मुझे याद है कि चीफ़ जस्टिस के, के का मामला इस्तार तो तो चौधरी का तवील हो गया वकला के तहरीक अब दो साल से वो काम नहीं कर रहे थे तो बाद तजय नगारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है तो उनसे अर्ज़ किया था कि अवामी तहरीकें मरा नहीं करती वो सिर्फ़ उनका उसलूब बदल जाता है जरदारी साहब वादा करके मुकर गए उन्होंने कहा ये कुरान और हदीस है तो ये तो अल्लाह ताला के कुदरत को चैलेंज करने वाली बात थी हाँ जी तो हमने कहा हाँ कुरान और हदीस है कुरान करीम में लिखा हुआ है फूल लहदे लहदा काना मसूल आ वादा पूरा करो क्याद के दिन वादे के बारे में सवाल किया जाएगा तो जब ये जो है दुआएँ और आहें अरश इलाही से टकराती हैं तो फैसला हो चुकता है अब ये कोई नहीं जानता कितने दिन लगेंगे लेकिन हमजद न्याजी साहब जो हैं उन्होंने अपने दोस्त से रबे किया और उनसे कहा कि मेरे ख़ानदान को आप अपने पास पना दे दें उन्होंने कहा ठीक है फिर पता नहीं चला कहाँ गए वो कहीं किसी दूर दराज के गांव में चले गए एक बेटा है उनका शेर अफगन के फर्जन जो न्याजी है न्याजी हैं वो हॉस्पिटल में पड़े हैं और जाहिर है वो नहीं मानते ज़ख़्मी हालत में हैं और सवालात पे सवालात उठ रहे हैं और वाक़ात पर वाक़ हो रहे हैं अब किसी ने सवाल उठाया है एक तो वो आपका इल्म ही होगा कि अभी मैं जब सो, सो के उठा था सोने से पहले शायद मैंने देखा था 5.1 मिलियन हो चुके थे इमरान ख़ान के मज़मून के कारयन और बढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है एक करोड़ तक के पहुंच जाएं अब इसका सारी दुनिया में असर हो रहा है अमरीका ने तरदीद तो कर दी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है वज़र अजम सबक वज़र अजम नाम भी नहीं लिया सबक वज़र अजम यानी इमरान ख़ान की मखालफत से लेकिन ये तो अंधे भी जानते हैं कि उनका ताल्लुक है अब किसी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है एक ऐसे आदमी ने जिसको बहुत लोग देखते तो नहीं है लेकिन एक ज़िम्मेदार आदमी है और बाखबर आदमी है कि वो तो अरशद शरीफ के कत्ल पर मोहतरमा मरियम नवाज़ ने जहार मसरत क्यों किया था और एक साहब ने बयान दिया था और वो आज़ाद फिर रहे हैं बरतानिया में कि अरशद शरीफ के कत्ल में वो मुलवस हैं इसी तरह अब उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये कौन कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट थी इसका तो कोई सबूत नहीं है लेकिन ये है के वो आदमी कहाँ गुम है जो मुल्ज़म था तो इसकी तहकीक़त करनी होगी कि भाई ये अपना सियासी मुखालफान ने तो नहीं किया और सियासी मुखालफी सब मालूम है चार गोलियाँ एक आदमी को लगी हैं तो उसको कोई ज़िम्मेदार है उसकी तफ्तीश आज नहीं होगी उसकी तफ्तीश किसी दिन तो होगी ही और ये घिरे हुए इस खौफ में और अंदेशों में मुबतला अब वो कहते हैं कि भाई इमरान खान जो है वो उसकी तदवीर तदवीर तो हो गई थी गोलियां तो उस पर चला दी थी बखुदा ने उसको बचा लिया और गोली ज़रा सी यानी बड़ी रग में लग जाती तो खून बह जाता तो किस्सा तमाम था लेकिन अब कुदरत ने उसको बचाना था तो उसको गिरफ्तार करा दिया अब वो जेल में तो उसे नुकसान नहीं पहुँच सकता अफवाहें फैलती रहती हैं लेकिन आई डोंट बिलीव कि भाई उसको जहर दिया जा सकता है या वो किया जा सकता है और कुछ तो वो महफूज भी हो गया सनम जावेद के कागजात मुस्रद कर दिए हैं और वो कई दिन पहले से पता था कि वो क्या नया अकाउंट नहीं खोला भाई जेल में है तो नया अकाउंट कहाँ से खोले मरीम नवाज मोहतरमा मरीम नवाज ने एक हल्के में कागजात दाखिल किए फिर दूसरे में किए पता चल गया वो सनम के दूसरे से भी हो गए अकबा अगर, अगर अदालती निज़ाम काम कर रहा होता तो सनम जावेद के कागजात को कबूल कर लिए जाते शबाज़ शरीफ नहीं जीत सकते कराची से और नवाज शरीफ साहब वहाँ से नहीं जीत सकते आसानी से मंदरा से और लाहौर में तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है पाँच करोड़ नब्बे लाख आखिरी फिगर था कि जो यंग वोटर्स हैं और इसके अलावा खातें हैं वो सब पी टी आई के हक़ में हैं मैंने इमरान खान के हल्के का आपको बता दिया चौहत्तर फीसद वोट हैं उसके और नौ फीसद हैं पी टी आई के अब वो करेंगे क्या इसका इन सब ये वो चीज़ें हैं जिनका हल किसी के पास नहीं है इन हालात में लोग कह रहे हर आदमी पूछ रहा है इलेक्शन होंगे इलेक्शन होंगे ओ भाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे तो इलेक्शन होंगे तो ऐसी कमज़ोर हुकूमत वजूद में आएगी जिसका कोई कंट्रोल नहीं होगा एक सर्वे कराया है पीटीआई टी आई खा में कराया गया है पीटीआई के लोगों ने कराया है सीट टू सीट बड़ी एहतियात के साथ एक सीट भी नहीं निकलती मौलाना रहमान की परवेज़ खटक साहब की किसी और की तो अब वो जाके के पशीन वगैरह से कहीं बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे तो सिंध में अगर ये किसी तरह जरदारी साहब जीत भी जाएँ जीत सकते हैं और बलूचिस्तान में भी जीत जाएँ लेकिन वोट तो पंजाब और पख्तून के ज़्यादा हैं और इसका अभी तक तो कोई तदबीर कामयाब नहीं हो सकी हम आहंगी भी नहीं है नवाज शरीफ साहब उनके हलीफों में कल आपसे अर्ज किया था कि शहबाज़ शरीफ साहब के और हमजा के जो जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने तजवीज़ किए थे वो मस्रद कर दिए मरी ने जो तजवीज़ किए थे वो हो गए और शहबाज शरीफ साहब उम्मीद आबार हैं वजारे तो उसमें कि अगर मौका मिलता है तो वो बन जाएँ और अखबार में जो हैं वो इस तरफ़ मायल हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तो आते ही कुछ अर्से के बाद ज़रूर अपना अपन, अपना अदारों के साथ मुतदम होंगे वो तो रह नहीं सकते रसूल सल वल्ल अब कोह अपनी जगह से टल सकता है आदत नहीं बदल सकती इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं और हुकूमत कायम भी हो जाती है ये भी फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई हंगामा नहीं होगा गलगत बल्दस्तान में तो दस दिन से हंगामे बरपा हैं और पखतनख्वा में वो किसी ने चैलेंज किया है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं ये अपने तबादला ज़रा पख्तनखा करा लें पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी और आई और फिर इन्हें पता चले कि किस भाव बिकती है तो वो खा तो हाथ से निकल गया और वो पैंतालीस सीटों का क्या करेंगे और पंजाब में कितनी धांधली करेंगे और सब कुछ करके भी अगर हुकूमत बना लें तो मीषत का क्या होगा इन हालात में कौन सरमाकारी करेगा मैं आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा मैं उस दिन नाम लेना भूल गया था कि आप लोग किस दुनिया में रहते हैं ख्यालों के जन्नत में रहते हैं आपका सिकोप कोई इदराक ही नहीं है कि आपके मीशत की हालत क्या है और देखिए वो जो पचहत्तर या सौ बिलियन डॉलर का जो मंसूबा बनाया गया था इन्वेस्टमेंट का कतर से सऊदी अरब से वो इसराइल को तस्लीम करने से वाबस्ता था उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसराइल को तस्लीम करने का अरब ममालक जिन्होंने तस्लीम करना था वो नहीं कर रहे और रायमा का दबाव इतन, इतना है कि किसी वक्त भी मिडल ईस्ट से कहीं से भी खबर आ सकती है किसी अरब मल्क से कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है अभी ये किस्सा चल रहा था इमरान ख़ान के मजमून का तो अलज़ीरा ने कोई एक फ़िल्म जो है वो इमरान ख़ान पर रिलीज़ कर दी है अब उस पर जो है मुमकिन है वो हो जाए शुरू किस्सा रद्दमल का और वो सोशल मीडिया पर पहुँच जाए और दुनिया भर में पाकिस्तानी उसको देखने लगे समंदर पार पाकिस्तानी है जो जाहिर है कि वहाँ अमेरिका में तो बरतानिया में ख़ास तौर पर वो हंगामा उठाएंगे बरतानिया में है कैनेडा में अगरचे पाकिस्तानी नहीं है पार्लियामेंट में लेकिन सिख हैं और वो हमदर्द हैं अपना इमरान खान इमरान खान के सारे ही हमदर्द हैं जब किसी की कुदरत किसी की मदद करना चाहती है तो उसके सभी हमदर्द हो जाते हैं इसलिए ये तो एक मुज्का खेज बात है अपना एक ख्याली जन्नत बसाने की बात है कि इलेक्शन करा लेंगे और एक हुकूमत बना लेंगे और जनाब वाला इमरान ख़ान साहब जेल में पड़े रहेंगे तो भाई कुदरत का निज़ाम जो है वो सारा इनके बस में चलता है अब ये आप देखिए ना सूर्य इतने दिनों से नहीं निकल रहा है बहुत सी जगहों पे सर्दियों का मौसम है तो फैज़ ने कहा था बुझा चुके जलवाहे विशाल की शमे चांद को गुल करें तो हम जाने कुदरत का निज़ाम इतना पेचीदा है कि सारे अवामल कभी किसी के न समझ में आ सकते कंट्रोल का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता 74 फोर मुझे याद है ये सेवेंटी फाइव था इसराइल के बारे में अमरीकी थिंक टैंक्स के सारे अंदाजे गलत हो गए बांग्लादेश में शेख मुजीबरहन कत्ल हो गए या भुट्टो के ख़िलाफ़ अपोजिशन मुतहद होने लगी बहुत से मुल्कों में तब्दीलियाँ आई तो वो बड़े परेशान थे यहाँ लाहौर में बहस हो रही थी मुझे याद है अच्छी तरह से कि भाई ये क्या हो रहा है सारे अंदाजे ही गलत हो रहे हैं मैंने कहा पाकिस्तान का तो मैं अर्ज कर सकता हूँ एक मेरा कोई तजुर्बा जाहिर है उस वक्त तो महदूद था अब भी कोई हम कोई ये तो कोई दावा करने के पोजीशन में नहीं है लेकिन अवामल को देखा जाता है तो भाई अमरीकी जहाँ ट्रेड यूनियनों के ज़रिए और दूसरे मुख्तफ अदारों के ज़रिए बाद में तो उन्होंने एन जी ओज़ बना ली और उन्होंने जैसे एन जी ओज़ के बाद लोग ऐसे हैं जो अब जा मिले हैं इस्टेब्लिशमेंट से जा मिले हैं नवाज़ शरीफ से जा मिले हैं अमरीका से तो मिले हुए हैं जाहिर सरमाया तो अमरीका का ही है तो मैंने कहा कि भाई मस्जिद का एक अदारा है अब, 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 अब कोई पच्चीस फीसद तीस फीसद आदमी तो ज़रूर जुमा पढ़ते होंगे इससे ज़्यादा पढ़ते होंगे तो अब वहाँ जो उनको सबक पढ़ाया जाता है तो उसका जो है हुकूमत के पास क्या इलाज है उसका अमरीका के पास क्या इलाज है तो ये बहुत ही जाहिर है ऑब्वियसली मुश्किल दिन है कश्ती गिरदाब में है लेकिन कश्ती एक गिरदाब में नहीं है पी टी आई की नहीं है नवाज शरीफ की कश्ती भी गिरदाब में है एनर्जी उनमें है नहीं और पार्टी में हम महंगी नहीं है ज़ुबैर उमर बिगड़ गए और ज़ुबैर उमर कह रहे हैं भाई ये तो ब्रेक थ्रू तो मैंने कराया था और अब मुझे जो है उठा कर फेंक रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं असल कहानी किसी दिन सुना दूंगा असल कहानी अर्शद शरीफ के कत्ल की भी किसी किसी दिन पता चल जाएगी मैं को कसूरवार नहीं ठहरा रहा लेकिन ये कि सवालत इतने जमा हो गए हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है तो वो खाब जो देखा था वो तो परेशान हो गया देखिए कादी सईद हैं मशहूर अखबार नवीस हैं उन्होंने कहा है डॉक्टर रिजवान मेरे दोस्त हैं और उन्होंने अंदेशा जाहिर किया था जिन्होंने अपना शहबाज शरीफ साहब का मनी लॉन्ड्रिंग केस इन्वेस्टिगेट किया था असल में उन्होंने लिखा था इन्वेस्टिगेट और लोगों ने किया था सौ गवाहों की फहरिस्त बनी थी और आखिर में एक बड़े एक्सपर्ट ने कहा कि सौ गवाहों का क्या मतलब है गवाह मौजूद हैं दस्तावेजी शादें मौजूद हैं और अबादम आवगाह मौजूद हैं तो सात गवाह रखें ताकि फैसला हो जाए अब वो उस फैसले से बचाने के लिए उन्हें वजे अजम बना दिया गया और साहबजादे को वजीर अला बना दिया गया लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि अगर उस वक्त इलेक्शन करा लेते जब इमरान ख़ान की हुकूमत गई तो ये जीत सकते थे लेकिन वो तो कुरान करीम कहता है कि हरजी रूह को हमने उसके माथे से थाम रखा है इस सामने डिसीजन मेकिंग ब्रेन जो है ये माथे के साथ होता है तो अल्लाह ने तोफी ही नहीं दी उस वक्त इलेक्शन कराने की ये दिन इसी तरह गुजरते रहेंगे ये सरमा के दिन ये धुंध रहेगी इसी तरह और सियासत में भी धुंध रहेगी लेकिन आखिरी फैसला जो है वो तो कुदरत को करना है वो तो अवामल जिसने पैदा किए हैं उसके कंट्रोल में है ना और अख़लाकी की साख इनकी ख़त्म हो गई वोट इनके हैं नहीं मीशत का कोई खाका है नहीं अभी तक मंशूर तो जारी कर नहीं सके मीडिया दिलोजान से इनके साथ है इसलिए कि मीडिया तो अब वो मीडिया नहीं है जिसमें कभी आज़ाद अखबार नवीस अपना किरदार अदा कर सकते थे शाह कहीं कोई आवाज़ सुनाई देती है लेकिन बादशाह अगर नंगा हो तो बच्चे का कह देना काफी है कि बादशाह नंगा है कोई दिन की बात है कोई फैसला हो चुकेगा ये मंसूबा जो बनाया गया था इमरान खान के खिलाफ खा उन्होंने खुद भी कितनी कोताहियां की हों वो तो हो गया है नाकाम अब नया मंसूबा क्या बनेगा कुछ लोग कहते हैं रेफरेंडम हो जाएगा कुछ लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि बहुत सी तजावीज जर गौर हैं तो अब देखिए क्या होता है लेकिन मैं एक बात आपको बसूख से कह सकता हूँ वो ये है कि इन हालात में क्राइन ये कहते हैं कि इमरान खान को शिकस्त नहीं हो सकती उससे बात करनी पड़ेगी 1979 फ़रवरी के ईरान इनकलाब के बाद से अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी ये है कि पॉपुलर लीडर की बहुत ज़्यादा मुखालफत ना की जाए बांग्लादेश में वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कुछ फेयर हों जहाँ ये ख़तरा है कि भाई इंडिया का और हसीना भाजद का जो वजी अजम है उनका गठजोड़ है लेकिन चीन मौजूद है और चीन की इन्वेस्टमेंट भारत से बहरहाल बहुत ज़्यादा है तो वो उसके फिसल जाने का अंदेशा है तो लेकिन पाकिस्तान के मामले में अभी तक कोई हमें यही तो अंदाजा नहीं है कि अमेरिकी पॉलिसी क्या है लेकिन ये तो ख़बर आई थी कि आईएमएफ के वफद ने मिलना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि तो भाई आपने मुझसे शफाफ इलेक्शन का वादा किया था तो मैंने उसकी तोसीक़ की थी अब मैं नहीं तोसीक कर सकता लिहाजा इंतज़ार करना होगा डॉक्टर खुर्शीद रिजवी का शेर है कि दुनिया रही खाबिदा शीद ने शब भर में पछ्छम से शफक लेकर पूरब में बिछा डाली या पूरब से शफक लेकर पछ्छम में बिछा डाली मुझे शेर इतना ही याद रहता है शेर तो याद रहता है मगर थोड़ी बहुत उसमें ग़लती हो जाती है इंतज़ार कीजिए इन अच्छी खबरें भी आएंगी जब लोग हल्के खुदा इतना दुख सहती है जब इतना जुल्म होता है जब लोग खुद को खुदा समझने लगते हैं तो वो 1970 में हबीब जालेब की एक नज़म छपी थी या, या खां का दौर हुकूमत था तो उनसे पहले वो जो एक शख्स नशीन था उसको भी अपने ख़ुदा होने का इतना ही यकीन था और जब भुट्टो साहब ने अपने मुखालफिन पर अर्स हयात तंग कर दिया था और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जब तक जीते हैं अकदार में रहेंगे तो शाजद इकबाल साजद ने कहा था उसको लगेगी बदुआ मेरे आधे जिस्म की एक दिन ख़बर आ जाएगी वो शख्स पत्थर हो गया